नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। डेली शाम को 7 बजे हमारी जो टॉपिक वाइज मैथ की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज हम नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड लेते हो तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, किसी एग्ज़ाम की बात कर लो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर सिस्टम से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम आपने पढ़ा नहीं होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ा ही होगा, लेकिन इसको भी बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत हो गई है। जैसा कि क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो नंबर सिस्टम पढ़ने के बावजूद भी, तो फिर लग जाता है कि कहीं ना कहीं कमियां आपसे हो रही हैं या फिर आप जहां से पढ़ रहे हो वहां पे कुछ कमियां रह गई हैं। ठीक है, उन कमियों को चलो मिलके दूर करते हैं। बस जितनी देर पढ़ा रहे हैं उतनी देर कंसंट्रेशन बना के रखो, और पढ़ने के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो पहले मैं टॉपिक वाइज उसको क्लियर करूंगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेके आएंगे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसलिए आप बेफिक्र होके देखिए वीडियो, आप इसी क्लास को कंप्लीट कर ले जाओगे, फिर किसी एग्जाम में आपके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए अगर मैं जो बाद में क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उसको ज़रूर देखना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक नंबर, जितने भी बेसिक नंबर हैं, जैसे ये देखिए हमने चार्ट में बना रखा फ्लो चार्ट एक बेसिक नंबर्स की, इसके अलावा इनसे जो बने हुए नंबर्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये सब जो नंबर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन ये जो हैं ये बेसिक नंबर हैं। इन्हीं बेसिक नंबर्स से ऑड नंबर्स बनते हैं, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया है उसमें देख रहे हैं कि एक कोई नंबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, हर नंबर को लगभग 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लें, इसको एक्सप्लेन कर लें, तो हम ये समझ जाएंगे कि होल नंबर क्या है। जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो होल नंबर समझ में आ जाएगा, ऐसे ये जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो इंटीजर समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम नीचे से पढ़ना और समझना शुरू करते हैं, जिससे ऊपर जाते जाते सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आता है नेचुरल नंबर का या प्राकृतिक संख्या का। आजकल अलजेब्रा में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जिसमें ऐसे पूछा जाता है, इफ एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर, तो एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में जो आए थे वो लिख रखे हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन हैं जो नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। देखो, जैसे नेचुरल नंबर के डेफिनेशन की बात करें तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम गिनने में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके यूज़ हम काउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अब देखिए काउंटिंग में जो नंबर यूज़ होते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, गिनने में जिन संख्याओं का यूज़ किया जाता है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 1 से शुरू करते हैं, और कहाँ तक गिनते हैं? जितनी हमारे पास वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या मान लो n है तो n तक गिनेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करिएगा, सबसे पहली बात कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, दूसरी चीज़ कि नेचुरल नंबर इन्फाइनाइट तक नहीं जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर लो कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है और इन्फाइनाइट तक नेचुरल नंबर नहीं जाती है। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि इसका नाम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा। ठीक है, अब इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते भी हो, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जिसको प्रकृति बनाती है, ईश्वर जिसे बनाता है उसे नेचुरल कहते हैं, और जो इंसान बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो ये नेचुरल किस हिसाब से हो गई? क्या इसे भगवान ने बनाया है? नहीं, इसको बिल्कुल भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन नेचुरल इसे इसलिए कहा जाता है कि ये नेचुरली हम गेन करते हैं। ठीक है, इसको हमें कोई सिखाता नहीं है। गिनने की जो कला होती है, आर्ट ऑफ काउंटिंग जो होती है, वो नेचुरल आर्ट है।
ठीक है, हम कभी किसी स्कूल में ना जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिन्होंने काउंटिंग सीखी भी नहीं है, फिर भी उनको गिनना आता है। वो अपनी घर में जो चीज़ें उनकी पड़ी हुई हैं वही सब गिनते गिनते जो है गिनना सीख गए हैं। एक छोटा बच्चा अपनी उंगलियां गिनते गिनते गिनना सीखता है, टॉफियां गिनते गिनते गिनना सीखता है, और चॉकलेट गिनते गिनते ऐसे ही गिनना सीख जाते हैं लोग। गिनना किसी को सिखाना नहीं पड़ता, काउंटिंग किसी को सिखानी नहीं पड़ती, काउंटिंग अपने आप बच्चा सीखता है। और बड़े होके भी अगर वो कहीं भी नहीं सीखा है तब भी वो धीरे धीरे प्रकृति उसको सिखा देती है गिनना, क्योंकि यह एक नेसेसरी चीज़ है। इसलिए ऐसे नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर दिया गया। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका यूज़ हम गिनने में करते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। एक से शुरू होगा, एन तक जाएगा, ठीक है, एक से छोटा नहीं होगा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा हमेशा। और जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि अलजेब्रा में दो तीन ऐसे क्वेश्चन आए थे जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड थे, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। वही कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे, क्वेश्चन देखिए तो दो तीन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आना चाहिए हमें, नेचुरल नंबर होता क्या है। अब देखिए जो अगली संख्या है वो जीरो, जीरो हम नेचुरली गेन नहीं करते हैं। जीरो की प्रॉपर्टीज बिना स्कूल गए आप नहीं सीख सकते हो, जीरो की खोज भी किसी ने की थी, आर्यभट्ट ने। तो ये सब चीज़ें जो हैं जीरो को नेचुरल की बजाय आर्टिफिशियल बना देती हैं, क्योंकि जीरो का नॉलेज जो होता है, जीरो की जो प्रॉपर्टी होती है वो सीखनी पड़ती है आपको। जीरो की खोज भी किसी व्यक्ति ने की थी, तो इस वजह से जीरो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं से अलग हो जाता है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या और जीरो मिला दो तो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया मेंस में होल नंबर पे भी, होल नंबर पे भी। ठीक है, होल नंबर कहाँ से शुरू हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री डॉट 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 एन तक। ठीक है, नेचुरल नंबर और जीरो को हमने मिला दिया तो वो बन गया होल नंबर। अब ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट 111 होल नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जो लोग जानते हैं कि यूनिट होल नंबर जीरो से शुरू होता है, उन्होंने तो 111 संख्याएं जब लिखनी हुई तो जीरो एक दो कहां तक लिखी, 110 तक। ठीक है, जिनको होल नंबर ढंग से पता है, लेकिन जिनको होल नंबर नहीं पता है उन्होंने एक से शुरू करके उसको 111 तक लिखा। ठीक है, वहां पर उनसे गलतियां हो गई, लेकिन जीरो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, 110 तक जाएगा, तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। दोनों एक से लेके 111 तक लिखो और जीरो से 110 तक लिखो, नंबर्स तो 111 ही हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हैं, 111 ही हैं, लेकिन अगर इनके सम का यूनिट डिजिट निकालना है तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व करा देंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होंगे, एक से दो तीन चार अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ये इन्फाइनाइट तक जाएंगे। और जो निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो माइनस वन माइनस टू और ये माइनस इन्फाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, इसमें भी जीरो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी जीरो इन्वॉल्व नहीं है। तो जीरो की तीन प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है और जीरो पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, जीरो नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो इन तीन तरह की प्रॉपर्टी जीरो में नहीं होती है। ठीक है, ना वो नेचुरल नंबर है, ना वो पॉजिटिव है, ना वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि जैसे पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, कभी कभी इसी को ऐसे लिख दिया जाता है पॉजिटिव को कि नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव को हिंदी में ऋणोत्तर कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, अब ऋणोत्तर पूर्णांक या नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, क्या कह रहा है, जो निगेटिव नहीं है। अब जो निगेटिव नहीं है वो तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है, तो ऐसे इंटीजर जो निगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव होंगे। और जीरो क्या है, जीरो भी निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए जीरो क्या हो जाएगा, जीरो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स की जब बात करेंगे तो जीरो एक दो तीन अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है,
नॉन निगेटिव इंटीजर्स जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इन दोनों में यही फर्क है, पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या फर्क है, जीरो का फर्क है। इसमें जीरो इन्वॉल्व रहेगा, इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और अगर ऐसे ही नॉन पॉजिटिव और निगेटिव देखेंगे तो इसमें जीरो नहीं इन्वॉल्व है, नॉन पॉजिटिव में जीरो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स हमने देख लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर और जीरो मिला के सारे इंटीजर्स बनते हैं। माइनस इन्फाइनाइट से अगर हम शुरू करते हैं इसे, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ये जो सेट लिखा है हमने ये इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक इंटीजर्स के सेट में क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स और जीरो। ठीक है, जीरो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। देखिए, अब बारी आती है रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर रेशनल नंबर होता है। और जो रेशनल की हम पहचान जानते हैं, जो रेशनल की परिभाषा जानते हैं कि किसी नंबर को P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो रेशनल नंबर है, P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा जानना पड़ेगा। ठीक, अब क्या उससे ज़्यादा जानना पड़ेगा वो हम बताते हैं। रेशनल नंबर आप जो परिभाषा जानते हो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 3/2 है, 1/2 है, 1/3 है, ठीक है, 1/7 है, 2 है, 2 भी रेशनल हो जाएगा क्योंकि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5 भी रेशनल हो जाएगा क्योंकि इसे 5/1 लिख सकते हैं, 22/7 भी रेशनल हो जाएगा क्योंकि इसे P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रेशनल नंबर की पहली डेफिनेशन ये हो गई कि P by Q के फॉर्म में हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, दशमलव रूप में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो दशमलव फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो जैसे ये नंबर है 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5, 1/4 कितना होता है 0.25, 1/8 कितना होता है 0.125, और जैसे 1/3 है, 1/3 कितना होगा 0.333333 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे मान लो 0.123123123 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में हमने एक चीज सीखी कि या तो उसके डेसिमल पार्ट कहीं पे जाके समाप्त हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, डेसिमल पार्ट कहीं जाके समाप्त हो जा रहा है या फिर डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर सेट उस डेसिमल पार्ट का रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है तो अगर वो रेशनल है तो उसके डेसिमल पार्ट का या तो रिपीटिशन होगा या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद जाके। लेकिन अगर यहीं पे हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर की पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे रूट नंबर्स जिनका रूट सॉल्व ना हो। ठीक है, ऐसे रूट जिनका रूट सॉल्व ना हो वो सभी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और अगर डेसिमल की बात करें, इरेशनल में अगर डेसिमल की बात किया जाए, अपरिमेय संख्याओं में अगर दशमलव संख्याओं की बात किया जाए, कोई नंबर दशमलव रूप में लिखा गया है तो वो कैसे इरेशनल होगा, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। 1, 2, 5, 7, 9 मान लो ऐसे लिखा है, 2, 1, 3, 9 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। ऐसा कोई नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो समाप्त हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे, कोई भी नंबर अगर रूट फॉर्म में लिखा है और उसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे रूट फॉर्म में तो √4 भी लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका रूट सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन कोई ऐसा नंबर जो रूट में लिखा है और उसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता है वो इरेशनल नंबर होगा। और अगर नंबर दशमलव रूप में लिखा है, डेसिमल फॉर्म में लिखा है, तो उसके डेसिमल पार्ट की ना तो रिपीटिशन होगी और ना ही वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, रिपीटिशन भी नहीं होगा, पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और कहीं भी वो समाप्त होते नहीं दिखेंगे, इनफिनाइट तक ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये दो खास बातें ध्यान रखेंगे। और कुछ नियतांक है जैसे पाई और ई, ये सभी ऐसे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है जो यूज होते हैं वैल्यूज के लिए। देखिए पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। हम पाई इक्वल्स टू 22/7 करते हैं, लेकिन 22/7 रेशनल है, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, जबकि पाई को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। पाई लगभग इसके बराबर है, ठीक है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 के बराबर है, पाई एग्जैक्ट इक्वल नहीं है इसके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो याद रख लो कि पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। ई इरेशनल नंबर है, यह भी एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है और ये कांस्टेंट होता है। तो रेशनल और इरेशनल मिला दिया, हमने रियल नंबर मिल गए। तो आपके सिलेबस में केवल रियल नंबर्स तक हैं, रियल नंबर्स तक ही क्वेश्चन आएंगे आपसे। ज्यादा से ज्यादा इतना पूछा जा सकता है कि इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर तो फिर इसमें क्या होगा, इसके आगे का आपसे नहीं पूछा जाएगा। इमेजनरी आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायरार्की बना रहा था मैं तो इसलिए इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स मैंने लिख दिया, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आपको जानना है तो इतना जान लो, जैसे हमने मैथमेटिक्स में यही तो पढ़ा है कि किसी रूट के अंदर निगेटिव अलाउ नहीं है। ऐसी चीजों की हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि किसी रूट के अंदर निगेटिव हो, तो इमेजनरी नंबर वही होता है कि किसी रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लिखा है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेशनल और इरेशनल के और होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने रेशनल नंबर्स में डेसिमल वाले नंबर्स बताए थे, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर्स में क्या किया था हमने कि रिपीटिशन दिया था कि रिपीटिशन होगा या फिर वो समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त वाले छोड़िए, हम रिपीटिशन वाले की बात करते हैं। जैसे 0.123 123 123 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट होता जा रहा है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, ये लिखने का एक मेथड है 0.123 पे बार, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा ही है 0.123 23 23 23, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0.1 तो रहेगा ही, 23 पे ही केवल बार लगेगा, ठीक है। 0.12 मान लो कोई ऐसा नंबर है 0.123333333 अप टू इनफाइनाइट तक, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.12 और केवल 3 पे बार, ठीक है। तो इनके लिखने का तरीका होता है और इसको इन सभी को पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि इनको फ्रैक्शन फॉर्म में या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो। जैसे ऐसे पूछ लिया गया, आपको ये नंबर दिया गया और बोला गया कि इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो। तो एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले जान लो कि इसका एक आसान तरीका होता क्या है, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने का। तो हम क्या करेंगे, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, हर में हमें क्या करना है, जितने नंबर्स पे बार लगा है उतनी बार हमें 9 लिख देना है, ठीक है। दो नंबर पे इसे बार लगा है तो 2 बार हमने 9 लिख दिया, और जितने पे नहीं लगा है उतनी बार 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही नंबर है जिस पे नहीं लगा है तो उतनी बार हमने 0 लिख दिया, ठीक। अब ये टोटल जो नंबर है 123, उसमें से वो नंबर घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार कितने पे नहीं लगा, एक पे, तो 123 में से हम एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 122/990, ये इसका पी वाई क्यू फॉर्म हो जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन में देखें तो अगले क्वेश्चन में देखो बार कितने पे लगा है, 3 पे लगा है, तो 3 को हम केवल एक बार 9 आएगा, बाकी 2 पे नहीं लगा है तो 2 बार 0 आ जाएगा। अब 123 में से हम क्या माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा है, तो 123 में से 12 माइनस करेंगे क्योंकि 12 पे बार नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा 111, तो ये हो जाएगा 111/900 और ये हो जाएगा 122/900, ठीक है। और ये अगर सॉल्व करना है तो इस पे 3 पे लगा है
तो 999 और ऊपर 123 हो जाएगा, क्योंकि कोई माइनस करने के लिए कोई संख्या नहीं बची है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने कई सारे लिख रखे हैं और सभी कराएंगे, आप घबराइए मत। तो इसको इतना ही जानिए कि इसको लिखते कैसे हैं, और मैं बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या होता है। जैसे मान लो ये नंबर है, यही वाला देख लेते हैं, एक बता दे रहा हूँ। जैसे ये नंबर है, इसको अगर हमने मान लिया एस, ठीक है, तो अभी जो रिपीटेशन के अलग है, रिपीटेशन के अलग केवल एक है, तो एक हम क्या कर लेंगे, 10 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.23 अप टू इन्फाइनाइट, ऐसे चलता जाएगा। फिर एक जो रिपीट हो रहा है वो सेट ऑफ टू डिजिट, सेट ऑफ थ्री डिजिट भी हो सकता है, तो यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो दो डिजिट को हम आगे और करेंगे, दो डिजिट आगे करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 1000 एस हो जाएगा, बराबर 123.23 ऐसे अप टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद दोनों तरफ हो सेम ही नंबर्स हैं, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे तो क्या आएगा, 990 एस बराबर 123 में से एक जाएगा 122, तो ये कितना आ जाएगा एस बराबर 122/990। और एस हमने किसको माना था, जो हमारा मेन नंबर था उसी को एस माना था, उसकी वैल्यू मिल गई 122/990। और जो मैंने मेथड बताया उससे लगाने के लिए क्या करेंगे, 23 पे बार था तो 2 बार 9 आएगा और 1 बार 0, 2 बार 9 आया 1 बार 0, और 123 में से 1 माइनस करके लिखेंगे क्योंकि 1 पर बार नहीं है, तो 123 माइनस 1 122 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। देखिए इरेशनल नंबर से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि √3 - √2 लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है। तो दो चीजें हम देख लेते हैं, एक तो रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण, परमेयीकरण और संयुग्मी, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, ठीक है। परमेयीकरण और संयुग्मी क्या होंगे, ठीक है, परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है क्या होगा, परमेय बनाना, परमेयीकरण मतलब परमेय बनाना, ठीक है। जैसे कि सरलीकरण, सरल बनाना, शुद्धिकरण, शुद्ध करना, तो परमेयीकरण क्या होगा, परमेय बनाना। और परमेय किसे बनाएंगे, जो परमेय नहीं हो, और परमेय नहीं कौन होता है, इरेशनल, अपरमेय, तो अपरमेय को परमेय बनाना रेशनलाइजेशन होगा। और किसी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए जिस नंबर से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास √3 - √2 ही था, इसको हमें बनाना है रेशनल, तो इसका अगर हम परमेयीकरण करेंगे तो हमें क्या करना होगा, √3 - √2 में √3 + √2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 3 - 2 बन जाएगा, इसलिए √3 - √2 का अगर हम कॉन्जुगेट देखें तो क्या होगा, ये होगा √3 + √2, और √3 + √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - √2। और परमेयीकरण की प्रोसेस क्या होगी कि इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको परमेय बना दे रहे हैं। लेकिन जैसे यहां पर तो हमें इसका फैक्टर मालूम था कि a + b or a - b = a² - b² होता है, तो अगर यहां पर हमें रूट नंबर कोई मिल रहा है, जैसे यहां रूट मिल गया, स्क्वायर रूट मिल गया, वर्गमूल वाली संख्या मिल गई, तो हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर हम कर ले जाते हैं इसका किसी तरीके से, इसका स्क्वायर हो जाए और इसका स्क्वायर हो जाए, इन दोनों का अगर स्क्वायर हो जाता है तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगी, परमेय संख्या बन जाएगी, रेशनल बन जाएगी। लेकिन ऐसा कोई नंबर हो जैसे 3^(1/3) - 2^(1/3), ठीक है, तो इसको अगर हमें रेशनल बनाना है, अगर इसका कॉन्जुगेट पूछे, ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी वो बोलेंगे कि 3^(1/3) + 2^(1/3) हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद यह रेशनल बन जाएगा, रेशनल नहीं बनेगा, ये यही तो बनेगा 3^(2/3) - 2^(2/3), ठीक है। क्या ये रेशनल है, नहीं है रेशनल, है ये इरेशनल ही है। तो किसी इरेशनल नंबर में इसका गुणा करने के बाद अगर इरेशनल ही मिल रहा है तो रेशनलाइजेशन तो हुआ नहीं, रेशनलाइजेशन नहीं हुआ तो ये इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे
ये नंबर है जिसकी पावर 1/3 है। जैसे पावर की 1/3 को अगर हमें खत्म करना है तो क्यूब करना होगा। अब a माइनस बी का फॉर्म अगर हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमें बनाना पड़ेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि तभी तो इसकी पावर में जो 1/3 है वो समाप्त होगा, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा तो ए स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 3 × 2 = 6, 6 की पावर 1/3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 − 2 बन जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, और जो कि 3 − 2 बन जाएगा, और तब यहाँ पर ये रेशनल नंबर हमें मिला। ठीक है, तो अगर आपसे इसका संयुग्मी पूछा जाता है तो ये होगा। ठीक है, और अगर इसका संयुग्मी पूछा जाता है, इसका प्लस लगा हो तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। ऐसा करने के बाद ये रेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पावर में कितना है, रूट है तभी बीच में माइनस लगा के काम चलेगा, लेकिन अगर रूट नहीं है तो हमें संयुग्मी निकालने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सारे नंबर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और इनके पीछे जो ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने बताए वो क्लियर हो गया होगा, कॉन्जुगेट क्लियर हो गया होगा, रेशनलाइजेशन क्लियर हो गया होगा, किसी डेसिमल रेशनल नंबर को अगर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने सीख ली हैं, एक दो चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको मालूम भी होगा, इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होंगे, ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं 1, 3, 5, 7 ये सभी ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्राइम नंबर, प्राइम या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी से डिविजिबल ना हो वो प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर 2 है, और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है, इवन नंबर है, और बाकी सभी, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि 2 से डिविजिबल, और जो 2 से डिविजिबल है वो कैसे प्राइम होगा, लेकिन ये स्टार्टिंग है, और इसलिए ये अभाज्य संख्याओं में आता है, क्योंकि 2 एक और स्वयं के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 भी प्राइम नंबर्स में आ जाता है। और ये अगर कभी कभी आपसे पूछा जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या अभाज्य संख्या वो 101 होती है। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंपोजिट, ठीक है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो इनको नॉन प्राइम कहेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट संख्या या भाज्य संख्या होंगे, जो किसी और से कटे, एक और स्वयं के अलावा इनका एक और गुणनखंड कोई ना कोई हो, वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, कंपोजिट हो गया। अभी एक और पूछा जाता है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स का पेयर होता है, पेयर होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनका एक भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जिनका एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 12 और 35। ठीक है, दोनों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हों, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, इसीलिए इनको को प्राइम बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन इनका दोनों का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन दोनों कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 कंपोजिट नंबर का समुच्चय जिनका एक भी सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं है वो हो जाएगा को प्राइम नंबर्स।
इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, ये सभी बेसिक है ना, मैथ की बेसिक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 1 से लेके 5 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 8 लिखा है तो क्या होगा, 1 से लेके 8 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, फैक्टोरियल 100 लिखा है तो 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल, ये फैक्टोरियल 100 तक हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल भी क्लियर हो गया आपका। अभी हम कुछ नेचुरल नंबर्स के सम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एन नेचुरल, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम देखना है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, इनका अगर हमें सम निकालना है। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, 1, 2, 3 और एन तक अगर जा रहे हैं तो इनका योगफल होता है एन एन प्लस 1/2। ठीक है, अगर यही फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 1 + 3 + 5, मान लो एन टर्म्स तक। ठीक है, एन तक नहीं, एन टर्म्स तक अगर ये हो तो इसका सम एन स्क्वायर होता है। देखो, 1 का सम 1 है, 2 का सम 4 है, 3 का सम 9 है, तो एन नेचुरल नंबर्स होंगे तो उनका सम एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तीसरा फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो एन सम संख्याएं 2, 4, 6 कहां तक, एन तक। तो चाहे तो क्या करो, पहली संख्या, पहली वाली जो सीरीज दी है इसमें क्या है, इसमें 2 से गुणा कर दिया गया है इसमें, तो एन टर्म्स तक। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो सम क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन। या एक और तरीका है इसको, वो समझ लोगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या है इसका एक तरीका कि देखो, पहला नंबर इससे एक ज्यादा है, दूसरा इससे एक ज्यादा है, तीसरा इससे एक ज्यादा, तो जो ऑड नंबर्स की सीरीज हमने देखी है, ऑड नंबर की सीरीज में जो इवन नंबर्स के टर्म है वो सभी टर्म एक 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 ज्यादा हो रहे हैं, तो एन टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो एन टर्म्स क्या हो जाएगा, एन टर्म्स इसके सभी एक 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 ज्यादा है, तो जो इसका सम आया था उसमें एन और एड हो जाएगा क्योंकि सभी एन पद एक 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 इससे ज्यादा हो रहे थे। इसके अलावा एक दो सम और जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे सम ऑफ एन फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जैसे क्या निकालना है हमें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो वो हो जाएगा एन एन प्लस 1, 2n+1/6। ठीक है, और एक पांचवी सीरीज कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा, एन 1³ + 2³ + 3³ up to n³, और जो कि n n+1/2 जो कि पहला वाला है उसी का होल स्क्वायर के बराबर होगा, जो पहली वाली सीरीज का सम है उसी के जस्ट होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, एक और सीरीज होती है, कभी कभी पूछ भी ली जाती है एग्जाम में, 1+3+6+10+15 ऐसे होता जाता है। ठीक है, इसको ट्रायंगुलर सीरीज कहते हैं। पहला पद इसका 1 होगा, दूसरा पद इसका 1+2, तीसरा पद 1+2+3, तीसरा पद ऐसे, चौथा पद 1+2+3+4, पांचवा +5 और ऐड हो जाएगा तो ऐसे सीरीज जाएगी, तो उसका सम होगा n n+1 n+2 टोटल का अपॉन 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज हो गई n+1 n+2/6, ये था n+1 2n+1/6, तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये अगर याद है तो इसका स्क्वायर ये होता है, ये याद है तो खाली 2n+1 की जगह n+2 करना है, ये दोनों सीरीज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी सीरीज की वैल्यूज याद रखिएगा कि इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा,
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराएंगे, और ये जो सबसे पहले तो ये सारे क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाएगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको अगर बेनिफिशियल हो रही हैं, तो आप कम से कम लाइक और कमेंट तो कर सकते हो, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ आपको और अच्छा कंटेंट देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।